कश्मीर की धरती तो धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी के पिता जी को गुरु तेग बहादुर साहब को इंसाफ की मंग करने वास्ते पंडित कृपा राम का जत्था आंदा है। जब सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब देखते हैं कल्ले पंडित नहीं आए, पंडित्याणियां भी आईया ने, उन्हां दियां बच्चियां भी आईया ने, उन्हां दियां धियां भी आईया ने। देखो आगू यह होंदा है, धन गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा सी कि तुसी बच्चियो नाल क्यों आई हो, वह कहते जी साडे तिलक ते जंजू साडे धर्म का सवाल है, सानू आना पिया सी मजबूर हाँ। उस वेले गुरु तेग बहादुर साहब ने पहले दिन कहता सी बच्चियो तुसी घर चली जाओ, पर आज इस सरकार नू ए नहीं दिसदा साडियां मावां साडियां भैणां साडियां बुढ़िया साडे वड्डे बुजुर्ग इत्थे बैठे ने। ते गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी दे पिता जी ने गुरु तेग बहादुर साहब ने जो बचन किते, दर्दी साहब इउं लिखदे ने, कहा पातशाह जाओ बचियो घर जाओ, सिर दे के सत बचावांगा मैं, इस बुझ रहे भारत देश दे दीवे अंदर तेल अपने लहू दा पावांगा मैं, पाया तेल देश दिया जड़ां विच, आज भारत वर्ष दा बाग फल रहा है, आज भी हिंदू मंदिरां दे दीवियां अंदर लहू गुरु तेग बहादुर साहब दे तेल दा बाग रहा। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह श्री अकाल, धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज, भावे कि वह बाल गोबिंद राय ने, पर उन्होंने कहा पिता जी तुहाडे तो बिना इस धरती से कोई नहीं है जेड़े इस डुबदे धर्म के दीवे नू बचा सके। गुरु तेग बहादुर साहब नू कोई सृष्टि की चादर आखे, कोई धर्म की चादर आखे, कोई धर्म का बली आखे, कोई धर्म का सहारा आखे, पर सारे लफ्ज खत्म हो जाएंगे, पर गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की शहादत वास्ते पूर्ण तौर पर आज तक कोई भी बयान नहीं कर सकेगा। धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी का समा आया, सतगुरु जी ने एक किले छड़े आनंदपुर साहब दियां सारियां, क्योंकि सतगुरु जी ने जिहड़ा जफरनामे च जिक्र किया है जी, सतगुरु जी के 111 शेर ने, समा नहीं है कि सारे शेरों के दर्शन करिए, सिर्फ मैं आप जी के सन्मुख 11-12 शेर ये रखांगा। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जफरनामा लिखते हैं औरंगजेब नूं, औरंगया तू 8 महीने का घेरा ला लिया, गोबिंद सिंह नूं फड़ नहीं सकिया, तू फिर सरसिया नदी का विछोड़ा किया, इतों तक चमकौर की गड़ी च 1-2 हज़ार ज लख नहीं 10 लख तू धाड़वी चढ़ाए तां भी गुरु गोबिंद सिंह नूं फड़ सकिया, फिर भावें माछीवाड़े के जंगलों ने भावें सब कुछ है, मैं जेतू हाँ जेतू रहांगा, औरंगजेब तू हार गया है। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने जिहड़ा बचन किया जफरनामा, कमाल ए करामात कायम करीम, रजा बख्श राजक रिहाकुन रहीम, अमा बख्श बख्शिंदे ओ दस्तगीर, खता बख्श रोजी दे ओ दिल पजीर, के शहनशाह ए खूबी आ शहनशाहियत है, तुसी बैठे हो आ खूबी गुरु गोबिंद सिंह साहब ने दिती है, जिथे बह गए उथे शहनशाही दे रूप दे विच बह गए, जिथे बह गए उथे बादशाहियां, के शहनशाह ए खूबी देहो रहन मूं, के बेगुनो बेचूनो चू बेनमू, ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श, खुदावंत बख्शिंदे ऐशो अर्श। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी माछीवाड़े के जंगलों च कहिंदे ना अज आनंदपुर साहब दे किले, ना अज फौजी ना अज घोड़े ना अज हाथी ना पंज प्यारे ना साहबजादे, पर औरंगया वेख लै गुरु गोबिंद सिंह दा अंदर परमात्मा वाहिगुरु जी दी बंदगी च इहो टिकिया है, भावे मैं फर्शा से पिया पर आनंद अर्शा वर्गा, ते अज गुरु के सिखो ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श, ते कह दो एक बारी सारे खुदावंत बख्शिंदे ऐशो अर्श। अज भी गुरु सिखो तुसी भावे महीने तो बैठे हो पर आनंद गुरु की कृपा का वरत रहा है, आनंद पार ब्रह्म परमेश्वर की रजा का वरत रहा है, भावे यूपी दे भावे बिहार दे भावे राजस्थान दे भावे मध्य प्रदेश दे भावे हरियाणा दे भावे पंजाब दे, खुदावंत बख्शिंदे ऐशो अर्श। ते उत्थे सतगुरु जी का वचन है के सतगुरु जी के शहनशाह खूबी देहो रहनमू के बेगुनो बेचूनो चू बेनमू, उथे सतगुरु जी ने जिक्र किया औरंगया तू अपने साजा बाजा ताकत वल मान करदा है, पर गुरु गोबिंद सिंह सिर्फ पार ब्रह्म परमेश्वर की कृपा दे उत्ते मान करदा है। उथे जिक्र किया औरंगजेब तुरा हर नजर हस्त लश्कर बाजर, तेरी नजर तेरिया फौजा वल तेरे घोड़े वल ताकत वल, पर गुरु गोबिंद सिंह की निगाह के महारा निगाह हस्ती हस्ता शुकर, मेरी निगाह पार ब्रह्म परमेश्वर के शुकराने ची है।